तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप ये 5 पिन वाला जो माइक है इसकी जगह 2 पिन वाला वायर वाला जो चाइनीज माइक आता है उसको कैसे सेट कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी माइक हो, 5 पिन या 4 पिन किसी भी तरह का हो, आप आराम से 2 पिन माइक जो है सेट कर सकते हो। उसके लिए दोस्तों आपको एक कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी और वो कैसे सेट करना है स्टेप बाय स्टेप सारा बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने जो माइक जो है इसको पहले से ही निकाल के रखा हुआ है, अब तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पर चाहिए एक 2 पिन माइक। और उसके लिए दोस्तों हमें जरूरत पड़ेगी एक इसके बीच सेट करने के लिए कंपोनेंट की। तो दोस्तों वो कंपोनेंट आपको कैसे सेट करना है और कौन सा वो कंपोनेंट है, कैसे ढूंढना है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो मार्केट में दोस्तों जो कंपोनेंट कहीं मिलेगा तो आपको ये पुराने मदर मोड से निकालना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको चाहिए एक पुराना मदरबोर्ड, जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास ये पुराना मदरबोर्ड है, और आपको चाहिए ये मल्टीमीटर। तो दोस्तों मल्टीमीटर को आपने कर देना है सेट 20K के ऊपर, यहां पर आपने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि इसको कैसे चेक किया जाता है, तो आपको चाहिए 1.5K और 4.5K के बीच का कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर आप उससे ऊपर का या नीचे का लगाओगे तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो सही से नहीं बन पाएगी। आपको क्या चाहिए, इसके अंदर का कंपोनेंट चाहिए। तो ये ब्लैक वाले जो कंपोनेंट है ये देखने में इस तरह का होगा, और आपने इनको क्या करना है, सभी को चेक कर लेना है। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने ये देख सकते हो जहां पर मैंने ये चेक किया, और ये जो है 4.K का आ रहा है। तो मतलब ये जो है हमारा बेस्ट है, इसको क्या करेंगे हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये वाला वो कंपोनेंट है, इसको हम यहां से बोर्ड से निकाल लेंगे और इसको ले जाएंगे अपने माइक वाले बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है इसमें जो 4 पॉइंट होते हैं, जो नीचे वाले 3 और बीच का 1 जो है, ये जो चारों है ये ग्राउंड है, और जहां पर ये मैंने ये जो कंपोनेंट लगाया है ये है, एक साइड नो सिग्नल है और एक साइड जो है वो पॉइंट की है, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा ये जो है नो सिग्नल वाली साइड है, जहाँ पर हमने क्या किया है कंपोनेंट लगा दिया है, और वायर डाल के हमको वायर की मदद से दूसरी साइड इसको टच कर देना है इसके साथ, ठीक है। तो जब दोनों साइड ये कनेक्ट हो जाएगा तो आगे बताते हैं आपको क्या करना है। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर इसको वायर डाल के दूसरी साइड भी कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने एक साइड जहाँ पर शोल्डर के साथ लगा लिया, दूसरी साइड हमें वायर के साथ लगानी पड़ेगी क्योंकि बीच में जो है वो ग्राउंड है, ठीक है। अगर ग्राउंड के साथ टच कर जाएगा तो शॉर्ट कर जाएगा, माइक नहीं चलेगा, इसलिए हमें यहाँ पर इसमें वायर डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपने इसको करना है क्योंकि अगर इधर उधर शॉर्ट हो गया तो आपका जो माइक है वो नहीं चल पाएगा। तो अभी यहाँ पर हमें इसमें लगा लेते हैं दूसरी साइड, और दूसरी साइड लगाने के बाद दोस्तों हमें अपने माइक को सेट कर लेना है। कैसे सेट करना है चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। तो अभी आपको माइक कैसे फिक्स करना है, तो एक साइड दोस्तों हमारी जैसे कि आपको पता है जो माइक की ये माइनस वाली साइड है, ब्लैक वाली वायर है, ये हमेशा माइनस के ऊपर ही लगती है। तो हमें इसको क्या करना है, ग्राउंड के ऊपर लगा देना है। एक ग्राउंड के ऊपर लगानी है, दूसरी वायर दोस्तों आपने क्या करना है, जहां पर आपने ये कंपोनेंट लगाया हुआ है इसके ऊपर फिक्स कर देनी है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों आपका जो माइक है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा और आपकी जो साउंड क्वालिटी है बिल्कुल 5 पिन माइक की तरह ही आएगी।
तो दोस्तों ठीक है, छोटा सा वीडियो था, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।